गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मॉर्निंग में हम रीजनिंग की क्लास नहीं ले पाए, उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक था कि आज हमारी टेक्निकल टीम कहीं बाहर गई हुई है और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ वो वापस आएगी। कल आपकी क्लास विधिवत रूप से चौका चौ लगेगी। साथियों, मैथ की क्लास भी आज मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कम समय की लूंगा, क्योंकि आज कोई नहीं है, टेक्निकल टीम पूरी बाहर गई हुई है और मैं अकेला हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दूँ, ताकि विद्यार्थियों के मन में ये भ्रांति ना हो कि सर दो दिन क्लास लेते हैं फिर एक दिन गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। साथियों, आपके लिए जब प्रयास कर रहे हैं और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारी टेक्निकल अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए रही हुई है टीम। कल वापस आएगी और कल हम वापस वही आपके औसत की प्रश्नावली चालू करेंगे। आज मैं आपको औसत नहीं पढ़ाऊंगा, आज छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में जो कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने, और ये ऐसी चीज है साथियों, शायद ही आपने से कोई पढ़ रखा होगा, पहले पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, देखना आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो। इस बात का उदाहरण देखें, मुझे याद आता है कि रेलवे में गई बार 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा था। सवाल क्या था ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, त्रेषक को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, त्रेषक को रोमन संख्या में कैसे व्यक्त करेंगे। अब आप लोग ये जानते नहीं हो कि रोमन संख्या होती क्या है, तो आज आपको रोमन संख्या में क्लियर सिखा दूंगा। अब सबसे पहले आप लोग अभी तक भी यदि वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज एक छोटा सा काम कीजिएगा, वीडियो को इसी जगह पुश करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर पूरी मस्ती से पढ़े। मैं आज आपको टॉपिक ये नहीं पढ़ाऊंगा कि त्रेषक को रोमन संख्या में क्या है, रोमन संख्या खत्म कर दूंगा मैं आपकी। देखना साथियों कैसे होती है रोमन संख्या, आज का बिंदु यही रहेगा रोमन संख्या। मैंने यहां लिखी रोमन संख्या, क्या होती है रोमन संख्या, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रोमन संख्या में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है बस, फिर आप त्रेषक की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी भी बात करोगे मैं वही संख्या आपके सामने लिखाऊंगा। आपको अभी तक एग्जाम में त्रेषक और छोटी संख्याओं के बारे में पूछा है, मैं आपको 1 से 100 नहीं 1 से 1000 तक की रोमन संख्या अभी लिख के बताऊंगा, और प्रैक्टिस करना आप घर पे भी लिख लोगे 100% मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। रोमन संख्या की कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं को आपको याद करना है। इसमें कुछ नोट है, उन नोटों को आपको याद करना है। नोट नंबर फर्स्ट, पहला नोट तो क्या है दोस्तों, गौर फरमाना कि रोमन संख्या में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति, कोई भी अंक लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। तो मैं इसको लिख देता हूं, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति लगातार 3 बार से अधिक नहीं हो सकती। आप लोग समझ गए होंगे साथियों, पहला नियम आपके सबके समझ में आ गया होगा कि कोई भी अंक की पुनरावृत्ति लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकती रोमन संख्या। अच्छा, इसके बाद में सेकंड नियम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो ही नियम मैं जानता हूं क्योंकि होते भी दो ही नियम है। कैसे कि किसी भी, पहला नियम तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे और मैं भी एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड जो नियम है वो ये है कि इसमें कुछ अंकों के, कुछ संख्याओं के कॉर्ड है, उन कॉर्डों को आपको याद करना है। कैसे याद करना है, जैसे आप सभी जानते हो कि 1 को मैं क्या लिखता हूँ, आई लिखता हूँ, 5 को क्या लिखता हूँ साथियों, बी लिखता हूँ बी। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से रोमन संख्या में व्यक्त करते हैं। 10 का भी आप सभी जानते होंगे, 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। इसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए 50, 50 के बाद में 100, 100 के बाद में 500 और 500 के बाद में 1000। मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक तो सब जानते ही हैं, क्योंकि इनका उपयोग तो हम चौथी पांचवी क्लास में भी करते हैं। 1 को आई से, 5 को बी से और 10 को एक्स से डिनोट करता है। बात आ रही है 50, 100, 500 और 1000।
ये पांच, और ये कैसे याद करोगे कि आपको किस किस के कॉर्ड है, पहले नोट किस किस के चलते थे, 50, आप कहोगे 20 का, 20 को मारो बोलिए, 20 पे आजकल कोई, अच्छा 50, 100, 500 और 1000, आप कहोगे सर 1000 का नोट तो बंद हो गया, कोई बात नहीं पहले चलता था, इन इनके कॉर्ड मुझे याद करने, तो कैसे याद करने, सुनो एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, देखना साथियों कैसे याद करना है। तो हम जब मैं आपको इसका एक कॉर्ड, इनका जैसे कॉर्ड याद है ना ऐसे ही इनके भी कॉर्ड बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, ऐसी कोई चीज नामुमकिन नहीं है, आपने एक बार बोल दिया यूं ही याद हो जाएगा। देखो कैसे, इधर ध्यान देना दोस्तों, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टीवी में से और एलसीडी में से क्या चीज मोस्ट है, इन दोनों में से अच्छी कौन सी है, तो आप कहोगे सर टीवी से बेटर तो क्या होती है, एलसीडी होती है। एलसीडी क्यों होती है, ये तो रखने के लिए स्पेस चाहिए, इसको रखने के लिए पहले आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत बड़ी टीवी आती थी उसको रखने के लिए काफी स्पेस, आजकल इतना स्पेस कमरों में कहाँ रहता है, दीवारें हटा दी सब। तो आप में से कौन बताएगा टीवी में से और एलसीडी में से कौन सी चीज मोस्ट है, एलसीडी मोस्ट है। आप अब उत्तर बहस करने के लिए ये बोलोगे सर एलसीडी की बजाय तो एलईडी आ गई है, न्यू टेक्नो, आपको मुझे ये थोड़ी बताना क्या क्या आ गई, मुझे केवल ये कोड याद करवाने, तो कोड कैसे याद रहेंगे, आप इसको भूल जाओ एलईडी को, मैं तो इन दोनों में कंपेयर करवा रहा हूँ, इन दोनों में तुलना करवा रहा हूँ कि टीवी में से और एलसीडी में से क्या चीज मोस्ट है। तो आप लोग क्या बोलोगे, एलसीडी मोस्ट है, एलसीडी मोस्ट है, वो एलसीडी अच्छी है, बस यही इन चारों शब्दों के कोड है। देख लीजिएगा कैसे मैंने क्या बोला, एलसीडी मोस्ट है, तो 50 का कोड एल, इसका सी, इसका डी और इसका एम। उम्मीद करता हूं कि 1000 तक जिन जिन शब्दों के कोड मैंने आपको बताया वो याद हो गए होंगे। साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 1 से और 1000 में जिन जिन के कोड मैंने आपको बताया प्लीज एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, 1 को किससे कम करेंगे, आई से, 5 को बी से, 10 को एक्स से, 50, एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। एलसीडी मोस्ट है, आपको क्या याद करना, टीवी की बजाय एलसीडी मोस्ट है। और साथियों इसके अलावा भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, तीसरी बात जो ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभार सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो आप क्या करोगे, बताओ कमेंट्स में लिख के बताओ एक बार, कोई नहीं आज मैं और आप कुछ यही हंसी मजाक की बात कर लेते हैं, यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो क्या करोगे आप, कमेंट्स में लिख के बताओ जी, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको एक बहुत बहुत प्यारी चीज सुनाने आ रहा हूं, जल्दी बताओ आप। हाँ उंगली टैडी कर लेंगे, वाह अरे वाह, उंगली टैडी कर लेगा, गजब, उंगली टैडी नहीं करेंगे हम डिब्बे को गर्म कर लेंगे साथियों, न्यू कॉन्सेप्ट सीखो आप, यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो हम डिब्बे को गर्म कर लेंगे, गर्म करके निकालेंगे। तो साथियों तीसरा कॉन्सेप्ट मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको कि यदि 3 अंक की पुनरावृत्ति के बाद में अंक मुझे लिखना है, यदि सीधे सीधी बात नहीं बन रही है तो हम उल्टा बोलना स्टार्ट कर देंगे। उल्टा कैसे, जैसे हम 9 को 9 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1 कम 10, हम 99 को 99 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1 कम 100, हम 49 को 49 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे 1 कम 50। आप समझ गए, यदि सीधी पार नहीं पड़ रही है, सीधी पार पड़ने में ये मुसीबत आ गई माना की, तो हम क्या बोलेंगे उल्टा बोलेंगे। उल्टा कैसे, 50 को 49 को क्या बोलेंगे 1 कम 50, 99 को क्या बोलेंगे 1 कम 100। आइए इन सब बातों का, ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात केवल कहने की है जो मैंने आपको शेयर कर दी। अब मैं आपको 1 से 50 तक की संख्याओं के नॉर्मल संख्या आपको लिख के बता रहा हूँ, देखना साथियों आप लोग मेरा सहयोग करना, 50 तक लिख देंगे फिर 50 के बाद में 51 से 100 लिखूंगा, बाकी आप लोगों से कोई से भी सवाल का जवाब आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं 1 से 50 तक लिख रहा हूँ, 1, 2 के लिए 2 डबल आई, ये 3 हो गया। अब 3 के बाद में साथियों कोशिश करना बात को समझने की, 4 में 4 डंडे नहीं खींच सकता, 4 में आप ऐसे नहीं खींच सकते, ये 4 आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पहली बात शर्त में मना कर रखा है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती, ये 4 बार हो गया साथियों। तो अब इसको क्या करना है, इसमें कोई कॉर्ड भी नहीं आ रहा, तो अब आपको क्या करना है साथियों, चलो मैंने 4 को छोड़ दिया 1 मिनट के लिए, इस जगह पे 4 आएगा, फिर मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो डिब्बा को कर गरम, उल्टा बोलना कर स्टार्ट। साथियों 4 को मैं 4 नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा 1 कम 5, ये 5 मैंने लिख दिया, इससे 1 कम है, 1 कम है मतलब पीछे लगा दिया।
चार को ऐसे लिखेंगे, एक बार दोबारा समझना, चार को मैं चार डंडे नहीं लिख सकता, छह को क्या बोलेंगे, पांच और एक छह, सात को पांच और दो सात, पांच और तीन आठ, अब दस, फिर पांच और चार डंडे नहीं खींच सकता, इसलिए मुझे पहले दस लिखना पड़ेगा। अब दस लिख दिया, अब नौ को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, एक कम दस, ये दस लिख दिया, दस से कितना कम है, एक कम है। प्लीज एक बार कमेंट्स करके मुझे बताओ, आज टेक्निकल टीम नहीं है इसलिए, क्या आपको ये दिख रहा है, यहां तक दिख रहा हो तो प्लीज यस का यस लिख के मुझे बताओ कि सर हमको दिख रहा है, मैं आगे बैठूंगा। प्लीज एक बार सभी बताओ, साथियों दस के बाद में ग्यारह बारह लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, या तेरह दस तीन तेरह, दस और चार चौदह, दस और पांच पंद्रह, ये सोलह, ये मैंने यहां लिख दिया सत्रह, और दस और आठ आप जानते ही हो, मैंने आठ को भी लिखना बता दिया, ये दस और नौ भी मैंने बता दिया उन्नीस, दस और दस बीस, इस लाइन में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएगी क्योंकि इसमें कोई अटकने वाली बात नहीं है, इसके आगे मैंने कितना ही तो लगाया बस, बाकी अभी तो जो कहते हुए दस और एक ग्यारह, दस और दो बारह, दस और तीन तेरह। अब अगली वाली लाइन में भी दिक्कत नहीं आएगी, ये देखना 21 वाली लाइन में भी 10 और 10 20 और एक 21, 10 और 10 20 और दो 22, इस लाइन में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये लीजिएगा साथियों। कौन बताएगा 10 और 10 20 और तीन 23, ये 4 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29 और ये 30 में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी क्योंकि अभी भी तीन कांटे एक साथ लिख सकता हूं, कहीं कोई डाउट नहीं है साथियों, 30 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूं 39 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जहां जहां प्रॉब्लम आएगी वहां वहां मैं बोलूंगा। 31 को कैसे लिखोगे, 30 और एक 31, ये 32, 33, 34, 35, 36, 37 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 38 में 30 और 8 38, देखो साथियों कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे उसी जगह पर टोक देना, प्रॉब्लम आएगी तो उस जगह पर मैं खुद ही रुक जाऊंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों कहेंगे कि कोई भी अंक तीन बार से ज्यादा नहीं आ रहा, देख लीजिएगा इस बात का बड़ा ध्यान रखना बस, या फिर ये जब कोड आ जाए तो इन कोडों का ध्यान रखना है, और सीधी सी बात है जब अंक की तीन बार से ज्यादा पुनरावृत्ति हो तो उल्टा बोलना स्टार्ट कर देगा। आइएगा वो भी बताएंगे, ये 10 30 हो गया, 8 38 और 1 39, अब 40 में मेरे साथियों क्या आप चार कांटा नहीं लगा सकते, इसीलिए इस जगह पर पहली कॉन्सेप्ट आपकी पहली बात का ये उल्लंघन कर दिया आपने, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति तीन बार से ज्यादा नहीं हो सकती, तो अब क्या करें, सेकंड कंडीशन पा जाते हैं साथ, ये 40 इसमें भी नहीं है तो अब उल्टा बोलना स्टार्ट करेंगे। अब हमको मालूम है कि हम 40 को क्या बोल सकते हैं, 10 कम 50, 50 को कैसे लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं, तो ये 50 हो गया, 50 से कितना कम है, 10 कम है, तो पीछे लगाएंगे और ज्यादा होता तो आगे लगा था, 50 से कितना कम है, 10 कम है, 10 को मैं जानता हूं, एक्स से डिनोट करता हूं। ये 40 आप लोगों के समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार यस लिख के बताएंगे, बहुत प्यारे चीज है ये 40, ये चीज समझने की, मैंने इसको गोल डब्बे में बंद कर दिया, बाकी और किसी को चेंज नहीं किया, और किसी में भी समझने की कोई बात नहीं है साथियों, 40 जरूर समझने की बात है, इसको दो तीन बार आप लिखना, और 40 के बाद में अगली लाइन में इस जगह पे लिखना, 40 के बाद में अगली लाइन में इस जगह पे लिखूंगा, प्लीज साथियों एक मिनट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं 40 के बाद में अगली बात आपको लिखाने में जा रहा हूँ, 40 से और 100 तक, 41 से और 100 तक एक नेक्स्ट उसमें लिखाऊंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। तो प्यारे साथियों अब हम 40 के बाद में आगे लिखेंगे 41 से और 100 तक, अभी आपको मालूम है मैंने 40 को क्या लिखा, 10 कम 50, 50 को मैं क्या लिखता हूं, एल, 50 को एल लिखता हूं, उससे कितना कम है 10, ये 40 और 1 41 मैंने लिख दिया, 42 में कहीं कोई प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है, 40 और 2 42 और ये मैंने आपके सामने 43 भी लिख दिया, ये 44 साथियों जहां प्रॉब्लम आएगी मैं गोल्ड डब्बे में बंद करके लिखूंगा, ये 45 40 और 5 45
40 और 6 46, 40 और 7 47, 40 और 8 48, 40 और 9 49। अब आप यूँ कहोगे 40 और 10 50, ऐसे नहीं बोलोगे। कैसे बोलोगे 50 को? तो मैं क्या लिखता हूँ, एल लिखता हूँ। 50 को क्या लिखता हूँ साथियों, एल। अच्छा इधर की साइड में दिख रहा है ना, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है साथियों, टेक्निकल टीम नहीं आ रही इसलिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आप इधर का भी एक बार बता दो प्लीज, दिख रहा है ना जी। थैंक यू। 50 के बाद में 51 वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं, 50 और 1 51, 52 53, ये 54, ये 55, 56, 57, 58 में भी कहीं दिक्कत नहीं, 50 और 3, 8 58, ये 59 और ये 60, 50 और 10 60, आगे लिखा मैंने ध्यान रखा, 61, 62 और ये 63। ये ग्रुप भी 2014 में पूछा था, मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रुप डी 2014 में यही क्वेश्चन पूछा था मैंने। 63 को कैसे लिखेंगे? तो एल एक्स ट्रिपल आई लिखेंगे, 63 के बाद में 64, ये 65, 66, 67 और ये 68, 50 और 10 60 और 8 68, ये 69, ये 70। 70 का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए साथियों, 71, 72, 73, ये 74, ये 75, 76, ये 77, ये 78, ये 79 और ये 80। साथियों 80 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 80 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 89 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, वो बस जहां पे प्रॉब्लम्स होगी उस बात को क्लियर करना है। 50 और 30, 80 और 181, बताओ किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार से ज्यादा हुई है, यदि नहीं हो रही तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये 82, ये 83, ये मैंने आगे 84 लिख दिया। साथियों देख लीजिएगा आप कहीं भी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार से ज्यादा नहीं हुई है। ये 85, 86, 87, 88, ये 89, 50 और 30 80 और 89। आप प्लीज इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, प्लीज प्लीज। आप यू ना कहोगे 4 बार आ गया, मैंने क्या बोला लगातार, लगातार नहीं, आप बीच में आ जाए देख लीजिएगा, ऐसे चाहे कितनी बार आ जाए ऐसे कोई डाउट्स नहीं है, लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगातार नहीं है बीच में आ जाए। अब 90 में मैं कैसे लिखूं, 50 प्लस 4 कांटा नहीं लगा सकता क्योंकि 4 कांटे नहीं आ सकते। अब 90 के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, फिर 90 के लिए उल्टा बोलना पड़ेगा 10 कम 100। अब 100 को कैसे लिखता हूं, एल लिखता हूं, 100 को सॉरी सी लिखता हूं, सी लिखता हूं 100 को, 100 से कितना कम है 10 कम है तो बीच लिखूंगा, ये 90 हो गया साथियों। अब 90 के बाद में इस लाइन को आप थोड़ा सा कोशिश करना, 90 वाले जो जो बात इंपॉर्टेंट है उसको मैं व्रत में बंद कर रहा हूं, ये 90 और 1 इकरान में, 90 और 2 बाण में, 90 और 3 तरान में, 90 और 4 चौरान में, 90 5 पिचान में, 90 और 6 छिन में, 90 और 7 सत्यान में, 90 और 8 अठान में, 90 और 9 निन्यान में, और 100 में आप लोग कैसे लिखोगे 100 का, तो आपके पास है ये कोड क्या आएगा, सी। एक से 100 तक हो गया, एक से 100 तक, कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे लिख के बताना साथियों, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बस इतनी दो बातें याद करनी आपको, किसी भी अंक पुनरावृत्ति 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती और एलसीडी मोस्ट है, एलसीडी मोस्ट है, बस इतनी सी बात बोलनी है। अब ये मत सोचना कि मैंने 100 तक लिखाई है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 5
सवाल आप 1 से 1000 तक कुछ भी पूछ लो, मैं 5 के जवाब दूंगा। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, लीजिएगा सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट। तो साथियों आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि आज टेक्निकल टीम नहीं है तो कहीं चाहला लगा दिया हमको 1 से 100 तक की गिनती लिखाना सीखना। साथियों ये क्वेश्चन जो होगा तो एग्जाम आता है और ये वो चीज है जो आपने आज तक नहीं पढ़ी, देख लीजिएगा। अब पढ़ी हो तो मुझे बता दो आप, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा ये भी जरूर नहीं है, आपको भी सोच रहा हूँ कि सर ने 1 से 100 तक लिखा है, 200 तक आ गया तो 500 तक, आप 1 से 1000 तक मैंने बोल दिया ना, कोई सी 5 संख्या बोल दो। 5 विद्यार्थी जो प्लीज रेगुलर कमेंट्स करते हैं, 5 संख्या कुछ भी लिख के बता दो। मैं अभी आपको कमेंट्स में आपके जो कमेंट्स लिखोगे उसका जवाब दूंगा, आपकी जो इच्छा करे वो पूछ लो। आप कमेंट्स में लिखो ना 1 से 1000 तक कुछ भी पूछ लो, आपकी जो इच्छा करे मैं अभी जवाब दूंगा। साथी लिखिएगा आप कमेंट्स में कि आपको किस चीज की जरूरत है, मैं अभी जवाब दूंगा। लीजिएगा मैं खुद भी लिख देता हूँ, ये लो मैंने आपकी जो इच्छा करे वैसा सवाल लिख दिया, और आपकी जो इच्छा करे 350 लिख दिया, एक मैंने 650 लिख दिया, एक माला क्यों कहेगा सर 999 का बताओ, जो कठिन कठिन है वो लिख रहा हूँ मैं। अच्छा एक लड़का योगेश सर रोजे चल रहे हमारे तो लिखो 786 लिख दिया। इरफान टोपा ये देख मैंने लिख दिया 786, आप जवाब देना मुझे, आ जाए एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। लीजिएगा सब 259, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, इनको सबको रोमन संख्या में लिख के बताना है। डाउट्स नहीं है भाई सब, कोई सा भी किसी प्रकार का सवाल आ जाए मैं कह रहा हूं ना आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप बस जुड़े रहे बहुत प्यारा, आप सीख गए ना बस, ये बात बहुत है, सीखने की कला आनी चाहिए, बाकी आप लोग बनाना खुद सीख जाओगे, मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ। देखना एक एक सवाल का अब इसके टुकड़े करना सीखो, 200 + 50 + 9 टुकड़े करना सीख जाओ आप। देखो कैसे 200 को क्या लिखोगे डबल सी, ये लिख दिया, 50 को क्या लिखोगे आप एल, 9 को क्या लिखोगे IX, ये लो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 बड़ा ऋतु आए प्रो। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 350 मुझे लिखना तो क्या लिखूंगा 300 + 50, 300 में सी ट्रिपल बार आ जाएगा, आ जाएगा 3 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्या लिखोगे सी, 50 को क्या लिखोगे एल, ये 650 है तो क्या लिखोगे 500 + 100 + 50, खुला करवा लिया अपन ने पैसा का। अब बताओ क्या हो जाएगा 500 का क्या होगा, 500 का बोलो बोलो डी, 100 का क्या होगा सी, और 50 का क्या होगा एल, ये 650 को लिखूंगा डी सी एल सी है दोस्तों, ये डी सी एल लिखूंगा 999, ये थोड़ा मजेदार है इसको थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, 600 500 + 100 थोड़ा नहीं दिख रहा होगा मैं इधर लिख देता हूँ 100। अच्छा मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये 999 को नीचे लिखूंगा, इधर देखना 678, तो 500 + 100 + 50 + 20 + 8 बहुत सारे टुकड़े कर दिए आपने और मजा कर दिया भाई साहब, ये देख लो सवाल आंसर यूं आएगा बोल फटाफट आंसर, मेरी गारंटी है आप बस के बल आपके प्यार मोहब्बत सदा बना रहे दोस्तों, बस इसके अलावा कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई चार्ज नहीं ले रहा मैं इसका, और यही यदि मैं मोबाइल मैं पैसे लेके पढ़ाता तो आप लोगों की लाइन लग जाती, बस आपका ये प्यार बना रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, मजा आ जाना चाहिए कि जो चीज आपने ऑफलाइन में नहीं पढ़ी वो भी लाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। देखना 500 को क्या लिखोगे बी, 100 को सी, 50 को एल, 20 को 10 + 10 और 8 को ये 5 और 3 8, 5 और ये 3 8, बताओ किसी भी अंक पुनरावृत्ति 3 बार से ज्यादा हुई हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 786 इरफान ये अगर मेरे प्यारे 786 लिख चुका हूं, गणपत से पूछ लेना इसका उत्तर, वो बता देगा निश्चित रूप से, देख कैसे लिखा है, इसके टुकड़े कर 500 + 200 + 200 700 700 750 750 के बाद में क्या बताओ 30 + 6, इससे ज्यादा और क्या टुकड़े करोगे आप, खुला लेने गया इससे ज्यादा चल क्या दूं मैं तेरे को, बता 500 का क्या है डी, 200 डबल सी, 50 एल, 30 एक्स एक्स एक्स, ये लग
छः, पाँच और एक छः, बता कहीं डाउट्स हो तो। आप सोच रहे होंगे सर हम तो ऐसा नहीं लिखेंगे, यही सही हमारा 786। तेरे सही होने से क्या है मेरे प्यारे साथी, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था उसके मुताबिक आपको आंसर देना है। 786 पूछ लिया था आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ऑप्शन में, वो एक्स 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 सी डी एल एक्स पता नहीं क्या क्या है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस काटना सीख जाओ आप। इरफान मैंने आपको काटना बता दिया, ये देख लीजिए। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या अगले सवाल में नहीं हम लिखा 999 और मजेदार चीज तो यहाँ पे, अब 999 के कैसे भूले कर पाऊ? कोई बात नहीं साथियों, पहले तो आप इसको यू बोलो 1000, 1000 माइनस 1 नहीं 900 प्लस 999 ऐसे बोलो। 900 को आप 900 नहीं लिख सकते, 500 प्लस 400 तो लिख ही नहीं सकते, 400 में तो चार बार आ जाएगा। अब आप क्या लिखोगे 900 को? 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 देखो आप, 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 90 प्लस 9। अब मेरे प्यारे साथी इसको क्या लिखोगे बताओ, 1000 को क्या लिखते हैं m, उससे कितना कम है 100, तो बताओ क्या आ जाएगा सी एम आ जाएगा 900 का। एम का मतलब 1000, 1000 से कम है तो पीछे, ज्यादा होता तो आगे, ये कम है तो मैंने पीछे लिख दिया। अब 90 को आपको मैंने बता रखा, पीछे वीडियो देखना 90 को कैसे लिखते हैं, 90 को कैसे लिखते हैं 10 कम 100, 100 को क्या लिखते हैं सी, 900 90 और 9 लिखना है, 9 को क्या लिखते हैं ये लोग बताओ, कहां प्रॉब्लम आई मेरे प्यारे साथी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और मैं क्या कह रहा हूं, आपके इतने प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारा आपका विश्वास बस बना रहे साथियों, इतना प्यार दिया आपने मुझे बेपनाह मोहब्बत की, तुम्हारी कसम तुम्हारा ये कर्जा मैं कभी चुका नहीं सकता। दो लाइनें मुझे याद आती है, फुल मस्ती में डूब जाना, आज नहीं है टेक्निकल टीम, आप और मैं बस, और दुनिया से क्या मतलब, क्या आज हूं कल ना जाने कहां जाऊंगा, आज हूं कल ना जाने कहां जाऊंगा, मैं वो परिंदा हूं जो आसमान में खो जाऊंगा, और दिल की डोर से ऐसे नवाजो मुझे, कल ना रहूंगा तो बहुत याद आऊंगा, कल ना रहूंगा तो बहुत याद आऊंगा। साथियों मजा आया क्या होगा, आप लोग भी बस सोच रहे 1 से 100 तक की गिनती में हमारे टाइम पास कर दिया, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा तो उस लाखों की भीड़ से आप तुरंत अलग हो जाओगे। आप परसेंटेज पढ़ोगे, कौन नहीं पढ़ा परसेंटेज, ये क्वेश्चन हुआ जो एग्जाम में जोकर तो मिलेगा आपको, और उस भीड़ से अलग होने का। और 1 से 100 तक की बात याद आ गई तो मुझे 2-3 बात और याद आ गई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट 5 मिनट और लूंगा आपका मुश्किल से, और मजेदार चीज देके जाऊंगा आज, याद रखना आपको। प्यारे साथियों आप एक बात बताओ, क्या आपको मजा आया नहीं आया, आज की वीडियो कैसी लगी, और अगली बात मैं ही कहना चाहता हूँ, क्या आप 1 से 100 तक की गिनती जानते हो? आप भी क्या, आपके मन में क्या बात आ रही होगी आज सब, आज तो पूरा मजे ले रहे हैं, 1 से 100 तक की गिनती नहीं जानते हैं, क्या पढ़ता पढ़ता दौड़ा आएगा, अब तो डांडी में भी दौड़ा हुआ लग गया। खैर कोई नहीं, तुम जो जानते हो और मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें अंतर देखना, देखो आपको मजा आएगा। 1 से 100 तक की गिनती पूछूंगा बस, के 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की गिनती पूछ रहा हूं मैं आपसे, कहां कौन बताएगा, मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा 67, 68, 69 में से कौन सी बड़ी है, ये तो आप जानते हो, मैं क्या पूछना चाहता हूं देखना आपको मालूम है, लिख देता हूं पहले गिनती। अच्छा ऐसा लिखने के बाद में तो आपको लग ही गया होगा कि सर तो बिल्कुल आप आज तो बिल्कुल यार बच्चे बन गए, अरे यार बच्चे नहीं थे तो बड़ा कैसे हो गए, पहले तो बच्चे ही थे, मेरे 33 साल की पुट्टी समझ गए होंगे आप, यहाँ पे क्या आएगा 11, यहाँ पे 20 और कर देता हूँ, ये 21, ये 30, ये 31, ये 40, ये 41, यहाँ पर 50, 51, ये 60, 61, 70, 71, 80, ये 81, ये 90, ये 91 और ये 100। साथियों मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आप 1 से 100 तक की गिनती लिखो, ये नहीं है मेरा क्वेश्चन, आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और पहले तो जब रुपी ये लेवल थोड़ा सा ऐसा जोकत क्यों, जोकत क्यों, तुम्हारी कसम ऐसे कैसे मिलेगा आपको, देखना कैसे, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको। 1 से 100 तक की गिनती में मुझे तो 1 से 100 तक के लिए कहीं तक भी गिनती लिखने की जरूरत पड़े ना, केवल 10 अंकों का उपयोग करना पड़ता है, वो 10 अंक कौन कौन से, 1 से 0 से और 9 तक, ये 10 अंकों का उपयोग करना पड़ता है। गणित में चाहे कितनी बड़ी संख्या लिखने की जरूरत पड़े मुझे केवल 10 अंकों का उपयोग करना पड़ता है। ये 10 अंक कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप कहोगे 9 अंक में, ए मेरे
प्यारे एक बात बता, बाबू एक से और नौ तक नौ अंक हो गए, एक ही अंक हो गया ना, दस अंक हो गए, एक नहीं हुए, इन दस अंकों का उपयोग करना पड़ता मेरे प्यारे, कहीं से और कहीं तक भी संख्या लिखने की जरूरत पड़े। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक से सौ तक की गिनती में कोई सा भी अंक आए ना वो बीस बार आता है, मैं आपसे पूछू दो कितनी बार आता है तो आपके पास जवाब होगा बीस बार आएगा। क्यों आएगा? दो की दो लाइन बनती है, तिरछी लाइन और एक खड़ी लाइन, दस तो यूं आता है और दस यूं आता है, दस और दस कितने हो जाएंगे बीस बार आता है। तो कैसे आता है ये देखो आप, मैं एक बार गिन के भी बता देता हूं, ये तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस और उन्तीस, मैंने क्या कहा प्रत्येक अंक की दो लाइन बनती है, एक तो खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन, दस दो तिरछी लाइन में दस खड़ी लाइन में, दस और दस कितने आएंगे बीस आएंगे, गिन के बता रहा हूं एक दो तीन, साथियों मैंने इसको काउंटिंग नहीं किया क्योंकि इसको खड़ी लाइन में काउंटिंग करना, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, बताओ तिरछी लाइन में कितनी बार आया दस बार, खड़ी लाइन में ले लेता हूं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और एक ही रहा बगल में दस। इस प्रकार से मैं आपसे कहूं कि दो कितनी बार आएगा बीस बार आएगा, वैसे क्यों आएगा बीस बार, कारण आपको पता ही है, इसकी दो लाइन बनती है एक तो खड़ी लाइन एक तिरछी लाइन, तीन कितनी बार आएगा वही बीस बार, तीन की भी दो लाइन बनेगी, एक लाइन तो ये बनेगी और एक लाइन ये बनेगी बीस बार, चार बीस बार, पांच बीस बार, छह बीस बार, सात बीस बार, आठ बीस बार, नौ बीस बार। तो मैं ये कह सकता हूं दो से नौ तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है मेरे प्यारे साथियों, बीस बार आता है, दो से और नौ तक प्रत्येक अंक बीस बार आता है, कारण मैंने आपको बता दिया कि क्यों आता है, एक खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन, खड़ी लाइन में 10 और तिरछी लाइन में 10, 10 और 10 कितने हो गए 20। लेकिन दोस्तों इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन तो ये पूछा जिसको मैंने स्टार डाल के लाइन किया, एक से 100 तक की गिनती में सबसे अधिक बार कौन सा अंक आता है। अब आपके दिमाग में फिर दिमाग खराब आपका असर, अभी तो आपने बताया कि प्रत्येक अंक 20 बार आता है, खड़ी रेत तिरछी, पर सबसे ज्यादा रकम का क्या क्वेश्चन बन गया, भाई साहब यही तो क्वेश्चन एग्जाम आ रहा है। आप जो क्वेश्चन एग्जाम कौन सा था जो थोड़ा हटके होता है साथियों, ये हटके ये कॉमन बात है, दो से नौ तक, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, प्रत्येक अंक बीस बार आता है, लेकिन सबसे अधिक बार आता है एक, ये सबसे ज्यादा बार आता है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं 21 बार। सर ये 21 बार क्यों आया, इसकी दो लाइन बनती है, देखो एक लाइन तो ये बन गई, दस तो इसमें हो जाएंगे, दस इसमें, दस और दस कितने हो गए 20 और एक के ऊपर दो बिंदी सैकड़ा रही 100। याद करो तुम उस 1857 क्रांति को, दस तो ये हो गए और दस ये, दस और दस बीस और एक क्या हो गया 21 बार आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, सबसे कम बार कौन आता है, सबसे अधिक का पूछ लिया तो सबसे कम बार, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, सबसे कम बार कौन आती है, सुन लाती है, ये कितनी बार आती है साथियों 11 बार आती है, 11 बार ही क्यों आती है, 20 बार क्यों नहीं आई ना, ये 21 बार क्यों नहीं आई ना, क्योंकि इसकी एक लाइन बनती है, केवल एक ही लाइन बनती है, खड़ी लाइन नहीं बनती है, देखो तिरछी लाइन बनती है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बार आती है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, एक से सौ तक की गिनती में दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नहीं पूछेगा तेरे से, ये पूछेगा सबसे अधिक बार एक, कितनी बार 21 बार, सबसे कम शून्य, कितनी बार 11 बार। अब टीसी 2013 में क्वेश्चन पूछ लिया, टीसी के पेपर में 2013 में क्या क्वेश्चन था गजब का, आप में से कौन बताएगा, 300 से 400 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं जिसमें सात केवल एक बार आता है। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, कमेंट्स में मैं इंतजार करूंगा आपके क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर का, कल मैं इस क्वेश्चन को भी हल कर पाऊंगा, कल सभी विद्यार्थी वही औसत चलेगी, ये नंबर सिस्टम का चैप्टर था, कोई नहीं आज टेक्निकल टीम नहीं है तो मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। एक बार प्लीज सभी विद्यार्थी चलते चलते अलविदा कहेंगे, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी विद्यार्थियों तक बात पहुंचाएं, अपने मित्रों को पहुंचाएं कि ऐसी बातें जो आपने आज तक नहीं पढ़ी वो सारी बातें मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो सारी बातें आपके सामने लेके आ रहा हूं। साथियों बस केवल आपका ये प्यार और विश्वास यूं ही बना रहे, थैंक यू सो मच, बी एन राजपूत, राम राम दोस्तों।